फाइट एक्ने पिंपल डार्क स्पॉट्स विथ होम रेमेडीज़। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किन केयर रूटीन। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे फेस रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है। तो हमारा जो फेस है वो हमारे बॉडी का मिरर है। अगर हमें एक्ने, पिंपल्स, हमारे डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन वो क्लियर करना है तो हमें पहले हमारे इंटरनल बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। एज़ पर एक्यूप्रेशर, हमारा जो फेस है वो इंडिकेशन है कि हमारे कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। इसकी वजह से इसका जो रिज़ल्ट आता है वो फेस पे दिखता है एज अ पिम्पल्स, पिगमेंटेशन, पैचेस, एक्ने, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से फेस पे दिखने लगती है। तो जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है वो आउटर अप्लीमेंट के लिए लोशंस, क्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं, पर अगर इंटरनली ये चीज़ों को क्लियर नहीं किया तो आउटर लेयर हमारा क्लीन नहीं होगा। तो पहले, सबसे पहले इंटरनली जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने हैं। वात, पित्त और कफ, ये चीज़ों को बैलेंस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इंडिकेशन है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है वो आज हम देखते हैं। अगर हमें फॉरहेड पे बहुत सारे पिंपल्स है, पैचेस है, तो हमारा बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो पहले हमें वो रिमूव करने हैं। आईब्रोज के बीच में अगर हमें पिंपल्स हैं तो हमें लीवर को डिटॉक्सिफाई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो हमें किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है। अपर चिक्स पे अगर हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, एक्ने है, तो हमें लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना है। लोअर चिक्स पे अगर हमें एक्ने है तो माउथ को डिटॉक्सिफाई करना है। नोज़ पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है तो हमें हार्ट को डिटॉक्सिफाई करना है। चिन पे अगर हमें बहुत एक्स्ट्रा हेयर ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, डार्क पैचेस है, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑर्गन एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने से उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगते हैं। ये सारे ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है आप मुझे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसके टॉक्सिफिकेशन की डिटेल्स बताओ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल एक वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए होम रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको रेगुलर बेसिस पे करने से स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, पैचेस, अंडर आई, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बहुत सारे सनटेन होना, ये सारी चीज़ें, ये जो रेमेडी है इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। पर इसको आपको कंटिन्यू एज अ रेगुलर फॉर्म में आपको करना है और इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके स्किन को ग्लो करेगा, आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये रेमेडीज़ क्या हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हमें क्लियर रखनी है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा तो उसका पूरा रिएक्शन हमारी स्किन पे दिखता है। तो जब हम मॉर्निंग को उठते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारे मुंह में जो सलाइवा जमा हुआ है वो सलाइवा को हमें हमारे स्टमक में डालना है। वो कैसे? ब्रश करने से पहले तुरंत उठ के हमें 1 glass ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। इससे क्या होता है, जो सलाइवा पूरी रात हमारे माउथ में है, ये सलाइवा डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टफुल है। तो ये जो अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करती है और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है। दूसरी जो रेमेडी है वो है हल्दी वाटर, गिलोय जूस और एलोवेरा जूस। ये सारी चीज़ें मैं पतंजलि की यूज़ करती हूँ। हल्दी वाटर हम घर पे बना सकते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को 2 या 3 स्पून आपको लेना है, तीनों को मिक्स करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इस पे मिक्स करना है और ये मॉर्निंग को हमें ड्रिंक करना है।
इससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन होने लगती है, वात पित्त कफ बैलेंस होने लगता है। इसके रेगुलर यूजेस से हमारे स्किन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे सुबह के रूटीन के बाद जो डे टाइम पे हमारे फूड को हमें बहुत कंट्रोल करना है, से नो टू जंक फूड, हेल्दी खाना है, रात का बचा हुआ फ्रिज में रखा हुआ फूड हमें नहीं खाना है। और ये सब चीज़ करने के बावजूद जो पल्यूशन से और सन टैन से जो हमारी स्किन डैमेज होती है, पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी जो एक रेमेडी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे जो सन टैन है वो रिमूव होते हैं, पैचेस है वो रिमूव होते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है ग्लिसरिन। ग्लिसरिन हमें इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो ग्लिसरिन लेना है, 2 स्पून ग्लिसरिन आपको लेना है एक बाउल में। ग्लिसरिन जो है वो एक्ने को रिड्यूस करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है। एलोवेरा जेल आपको लेना है, मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आप फ्रेश भी ले सकते हो। ये ब्लेमिशेस को दूर करता है, स्किन को यंग बनाता है, टाइट बनाता है, सनबर्न से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई कैप्सूल आपको लेना है, एवियन करके कैप्सूल मेडिकल में आपको मिल जाएगी, 3 कैप्सूल्स आपको लेनी है। विटामिन ई जो है वो स्किन की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, स्किन के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के नए सेल्स को ये बनाता है। तो ये यूवी डैमेज अगर हमारी स्किन में, सन से हमारी स्किन डैमेज हुई है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टफुल है विटामिन ई कैप्सूल। 3 कैप्सूल्स आपको लेनी है, उसको बाउल में डालना है। और जो 4th इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी ऑयल। विटामिन सी जो है वो स्किन को ब्राइटन करती है, पैचेस को दूर करते हैं, डार्क स्पॉट्स को दूर करते हैं, एक्ने को दूर करते हैं। 2 to 3 drops of विटामिन ई ऑयल आपको लेना है। विटामिन सी ऑयल नहीं है तो आप लेमन जूस भी ले सकते हो, विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। लेमन के 2-3 drops भी आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसको एक कंटेनर में आपको फिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद कंटेनर में फिल करके इसको आपको फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में से ही निकाल के आपको नाइट को इसको अप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको पोशन लेना है, पूरे फेस पे आपको रब करना है, अंडर आई पे भी ये लगा सकते हो। सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये जो रेमेडी है वो एक मैजिक रेमेडी है स्किन के लिए। पूरी नाइट आप ये लगा के रखोगे तो आपकी स्किन पूरी नाइट रिपेयर होने लगती है, मॉर्निंग को आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ब्राइटन होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे श्योर शेयर करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।